हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर अमावस्या तिथि को समाप्त हो जाता है। जाने श्राद्ध यानी पितृ पक्ष 2022 कब से हैं? तो चलिए अब हम जानते हैं पितृ पक्ष व श्राद्ध की तिथियां। तो ये रही आपके सामने पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध 2022 की तिथियां। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। आपके जो पितर हैं किस तिथि में गए हुए हैं, किस तिथि में गुजरे हुए हैं, उनकी तिथियों में ही ब्राह्मण को बुलाएं और उस ब्राह्मण को भोजन खिलाएं। स्वादिष्ट भोजन के साथ उनको प्रेम पूर्वक श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें, जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हुए। और उसको वस्त्र भी हम दे सकते हैं, बर्तन भी दे सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त हम अपने पितरों को दे रहे हैं, ये आप क्रिया कर सकते हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष या प्रेय दोष लगा है तो सबसे पहले आप अपने घर के भीतर गायत्री अनुष्ठान कराएं, पितरों का पाठ करवाएं, सवा लक्ष गायत्री करवा करके ही उसके बाद आपकी क्रिया। ब्राह्मण को भोजन दिया हुआ, वस्त्र दिया हुआ लगेगा, अतः आप कोई भी कार्य कर ले वो असर ही नहीं किया जाएगा। तो मित्रों ये तो थी पितृ पक्ष यानी श्राद्ध संबंधित जुड़ी जानकारियाँ। तो बताइए मित्रों वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी सनातन धर्म व ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।